अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग अमरस लाइफ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज पाकिस्तान में भी ईद का तीसरा दिन अख्ताम को पहुँच गया। और जानवर जो हैं वो बड़ी हद तक जोर लगाते हैं, कभी उसके पीछे लोग होते हैं और कभी कुछ लोगों के पीछे जानवर लग जाते हैं। कोई बैल भाग रहा होता है तो कभी कोई बकरा। लेकिन आखिरकार हम उनको कुर्बान कर ही देते हैं। और कुर्बानी के बाद उस गोश्त को तकसीम करने के अलावा जो घर पर गोश्त होता है उसके टिक्के ना बनाए जाएँ तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। बारबेक्यू और टिक्का पार्टी तो मस्ट होता है। तो हम भी ज़रा इंजॉय कर रहे हैं। और आजकल क्योंकि लॉकडाउन है तो हर ही घर की सहन या छत से जो है वो धुआं उठता नज़र आएगा, क्योंकि वो लोग सब जो है अपने अपने घरों पर टिक्का पार्टी, बारबेक्यू और इस तरह की छोटी डिशेस बना रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं घर पर। और काफ़ी मज़ा आता है जब फैमिली इकट्ठी होती है और इसको इन्जॉय करते हैं। वैसे तो मर्द हजरात ही जो हैं वो टिक्का पार्टी करते हैं और बारबेक्यू, तो उनको मसाला लगा के दे दिया जाता है और फिर वो बाकी बड़े आराम से उनको सीखों पर कोयलों के साथ में बना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ख़ुद भी हेल्प करना पड़ रही थी तो बहुत मज़ा आया, इन्जॉय किया। और पाकिस्तान में मेरा भाई बहुत शौक़ से बनाता है और हम इन्जॉय करते हैं, सारी मेहनत उसकी होती है और हम सिर्फ खाते हैं। और फाइनली हमारे टिक्के भी तैयार हो गए हैं और बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम स्टे सेफ।